खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज है। चंडीगढ़ कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। कल हुई सुनवाई में दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी दलीलें रखी थी। संदीप सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत देने की मांग रखी। जूनियर कोच के वकील ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। और देखिए, आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया था। तो कोर्ट ने आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा था। मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज है। चंडीगढ़ कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। रूप से देखिए, आज भी जब बहस हुई तो जो माननीय पीपी थे चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से जो जवाब आया था, उन्होंने उसको बड़ी मजबूती से रखा और माननीय अदालत के समक्ष यही कहा, देखिए कि 438 के अंदर सीआरपीसी में बेल एप्लीकेशन होती है, वो तब मेंटेनेबल मानी जाती है। हमारी दलील भी माननीय अदालत के समक्ष रही, जब पुलिस ने अरेस्ट करना हो, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, जो 438 की बेल एप्लीकेशन है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, और उसको लेकर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की जो जो से रेलेवेंट जजमेंट्स थी उसको लेकर हमने माननीय अदालत को अवगत भी कराया, और इसके अंदर हमने डिटेल्ड रिप्लाई सारी बातों के साथ कि किस प्रकार संदीप सिंह ने जो कि है शिकायतकर्ता को प्रेशराइज करने की कोशिश की है, इन्वेस्टिगेशन जांच को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, किस प्रकार उनको दबाव बनाया गया है और उनके ऊपर किस प्रकार से प्रताड़ना हुई है। कहीं ना कहीं देखिए, आज जो शिकायतकर्ता है उसको तो सस्पेंड किया हुआ है, और संदीप सिंह जो एंटीसिपेटरी बेल भी सीख कर रहे हैं, चार्जशीट उनके खिलाफ आ चुकी है। चंडीगढ़ पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये मान लिया कि संदीप सिंह एक्यूज हैं, वो गिल्टी हैं। उन्होंने सारी बातें चंडीगढ़ पुलिस से जांच में झूठी कही और शिकायतकर्ता के आरोप सच्चे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप हैं, अटेम्प्ट टू रेप के एलिगेशन है। तो ऐसी स्थिति में वो मंत्रालयों के पदों से नवाजे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये माननीय अदालत से शिकायत। और मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, इस मामले को लेकर क्या है जानकारी? मंत्री संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज होगी, तो मुश्किलें जो हैं वो यहाँ पर और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल साधना, देखिए, राज्य मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच के साथ यौन शोषण का जो मामला है, चंडीगढ़ कोर्ट में संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। अदालत ने संदीप सिंह की अग्रिम जमानत याचिका का फैसला जो है वो कल सुरक्षित रख लिया था। कल हुई सुनवाई में दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें जो है वो कोर्ट के सामने रखी थी। संदीप सिंह के वकील ने अग्रिम जमानत देने की याचिका की मांग की थी, वहीं जूनियर कोच के वकील की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया था। न्यायालय ने आज तक के लिए फैसला सुरक्षित रखा है। आज अंतिम जो फैसला है वो न्यायालय सुनाएगा अग्रिम जमानत को लेकर के, क्या संदीप सिंह को जमानत दी जाए, तो इसका फैसला जो है आज कोर्ट करने वाला है। फैसला कल सुरक्षित रख लिया था। देखने वाली बात ये होगी कि अग्रिम जमानत जो याचिका है वो कहीं ना कहीं खारिज होती है या फिर उनको अग्रिम जमानत जो है वो मिल जाती है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल रवि, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।